हेलो फ्रेंड्स मैं हूं संजय आर्या आपका केमिस्ट्री एक्सपर्ट और आज एज प्रोमिस्ड मैं लेके आया हूं जेई और नीट वालों के लिए ये मजेदार सीरीज जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं प्रीवियस नाइन इयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूं सबसे पहला आता है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में उसकी सिग्निफिकेंस उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशन पे मैंने तीन लेक्चर बनाए हैं बने रहो मेरे साथ में और करते हैं इनको एक्सप्लोर सबसे पहला है आपका ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है कैसे इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते है? जेए के में? आज पता कर लेते हैं चले भैया पहले इलेवंथ की टॉपिक ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फटाक से आगे आ जाओ सबसे पहले समझो कि इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट है क्या तो इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे कहां से क्लिक मी तो क्लिक करते ये दिखा रहा है कि नंबर

एट अटेचर इट इज द रेशर ऑफरी अगर बी आपके रियक्टेंट है सी एन डी आपके प्रोडक्ट है तो यह बोलता है, कि एक है. किसके एक्टिव मासस का रियाक्टेंट एंड रियाक्टेंट का कैसे दिया जाएगा प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर ऑफ देयर स्टोक्योमेट्री टू द रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन रेस टू पावर ऑफ स्टोक्योमेट्री जैसे ही आप ये करेंगे आपको एक वैल्यू मिलती है इक्विलिब्रियम पे आके अब आगे बढ़ जाते हैं सबसे पहले बताता हूं कि क्या होता है, Guys, का होता है जो पर्टिकुलर चीज टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करे एक्टिव मास नंबर ऑफ मोल्स भी हो सकते हैं वॉल्यूम भी हो सकती है प्रेशर भी हो सकता है इनफैक्ट आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी होती है लेकिन हम लोग हमेशा एज्यूम करते हैं जब केमिस्ट्री की चीजें रिएक्शन डील करते हैं कि आपके पास में जो उसमें इनफाइनाइट वॉल्यूम दिया होगा या फिर इतना कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा जिसकी वजह से इंडिविजुअल रिएजेंट जो होगा उसको आप स्टडी कर सकें इस वजह से हम लोग हमेशा मान के चलते हैं कि जितने भी हमारे कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल पर लीटर वॉल्यूम जो होता है उसे हम लोग मानते हैं एक्टिव मास और इसी की तरह से हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट

मैं टर्म्स की बात करता हूं केपी की तो भैया केपी का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पार्शियल प्रेशर की बातें करो तो यार आपको पता है अगर मान के चलिए कि पूरा का पूरा अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर आपके सामने जो इक्वेशन दी हुई थी या रिएक्शन दी हुई थी वो गैशियस मिक्सचर में हो फॉर एग्जांपल आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया प्रोसेस ले लो हेबस प्रोसेस एन टू प्लस थ्री एस टू इज इन इक्विलिब्रियम विध टूस ट्राइस ऑफ एन एच थ्री अमोनिया भी गैस है

इनके स्टोरक्यूमेट्री डिवाइडेड बाय द सेम थिंग विद द विदेक्टिव ऑफ रिएक्टेंट तो आप सेम चीज आपको ऐसे मिलेगी मैं काय बना देता हूं इस तरह से ओके चलिए आगे बढ़ते हैं अब आते हैं कि भैया रिलेशनशिप क्या है केपी और केसी का देखो मैं क्या कराने वाला हूं क्वेश्चंस पे आऊंगा सीधा जंप करूंगा वहां पे लेकिन वहां पहुंचने से पहले आपको बेसिक करा दूंगा उससे फायदा ही मिलने वाला कि जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएगा बड़ा आसानी से सोल्व हो जाएगा इसका मतलब ये हो गया कि आपको खुद से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप सिर्फ ये लेक्चर अटेंड करो आप जाइए पे वहां पर आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें लर्न कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट दे सकते हैं मेरे लेक्चर्स में आपको क्या मिलेगा मेरे इस चैनल पे आपको मिल जाएगा कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन अलोंग विद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ताकि आपको एक बहुत ही अच्छे से कंफर्टेबिलिटी आ जाए टॉपिक के अंदर आ जाओ इसमें रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड के देखिए मान लीजिए कोई जनरल इक्वेशन थी आपकी

अप्लाइंग इक्वेशन वन टू थ्री फोर इन इक्वेशन एम एम इक्वेशन थी आपकी मेन इक्वेशन ये वाली और ये आपके इंडिविजुअल हैं सारी उसमें डाल दोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा KP बन जाएगा ऑफ पास अच्छा ये इसका क्या रीजन है क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने पीवी को माना थोड़ा इलेबरेट कर देता हूं बेटा ये देखो भाई पी वी क्या है एनआरटी पी क्या बन जाएगा एन बाई वी आर टी एन बाई बी क्या होता है नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन यही तो कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करने का सिंबल है हमारा एक्टिव मास जिसे हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं फटाक से आ जाओ यहां जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाई बी क्या बन जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए दैट इज मोल पर यूनिट वॉल्यूम सिमिलरली फॉर बी ये बी सी और डी बस यही सारी वैल्यूज पुट करनी थी और यहां पे आपके पास में ये इक्वेशन आ जाएगी फटाख से सॉल्व करो इसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो केपी की के वैल्यू क्या बन जाएगी कि भैया अगर इन सब के आर टी कॉमन है आर टी की पावर सी आर टी की पावर डी ए और बी अगर मैं सबको एक साथ समअप करूंगा तो क्या बनेगा ऊपर वाली पावर प्लस हो जाएंगी नीचे वाली माइनस हो जाएंगी ये जो टर्म होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इसे हम लोग कंसिडर करते हैं डेल्टा एनजी

RT raise to delta और यहां delta कितना होना चाहिए अगर मुझे दोनों वैल्यू इक्वल करनी है डेल्टा एनजी की वैल्यू जीरो कर कर दो जीरो जीरो तो तो क्या बन जाएगा? RT raise to 0 equals to 1, तो बन जाएगा जाएगा बस यही चेक करना है कि किस में delta की जीरो है कि वैल्यू आ जाओ से तो भैया इसने बोला है कि यहां पहले वाले राइट साइड right में कितने टू ये कितना टू यार ये लेफ्ट साइड में वन सॉलिड के लिए हमेशा कितने जीरो सॉलिड को और प्योर लिक्विड को कंसिडर ही नहीं करना है सिर्फ गैसेस बातें करेंगे थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यहां पे वन मोल है, 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 है फटाक से एनजी बताओ मुझे यहां पे कितना जीरो पे टू माइनस टू जीरो वन यहाँ पे क्या आएगा टू माइनस टू जीरो

चाहे जेई का हो चाहे एडवांस का हो चाहे नीट का हो बहुत चुटके में सोल्व कर पाओगे फटाक से आ जाओ बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इस रिएक्शन में जो दी हुई है क्या बेसिकली केपी केसी का रिलेशनशिप रहेगा तो आपको तो ऑलरेडी आता है सब फॉर्मूला <coughs> क्या है भाई फॉर्मूला बोलता है कि भैया के पी इज इक्वल्स टू होता है के सी आर टू पार डेल्टा एनजी और अगर ये आपने कर दिया तो बस आपने फाइंड आउट कर लिया डेल्टा एनजी की वैल्यू निकाल लो इसके लिए भाई इधर बोलो सॉलिड के लिए कितना मॉल मानोगे जीरो गैस के लिए कितना लिखोगे थ्री बाई टू को लिख दो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसके लिए बोलो भाई सॉलिड के लिए जीरो इसमें लिए कितने वन मॉल दिया हुआ है जहां पर कुछ नहीं दिया हुआ है वहां पर वन मोल दिया हुआ है करेक्ट डेल्टा एनजी कितना आएगा बेटा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देना हर बार गलती वही कर रहे हैं बच्चे हर बार करके ये इतना आसान क्वेश्चन था इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना था गलती से कर दिया रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट सब खराब हो गया ये नहीं करना क्या करना है प्रोडक्ट में में क्या है बेटा में कितना है? वन कितना कितना माइनस हाफ है तो आप बोल सकते हो कि के सी क्या बन जाएगा केपी आर टी उधर चला जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव हाफ बोलो बनेगा कि नहीं मतलब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं सब चुटकियों में सॉल्व हो हैं फटाक से बताओ ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है कि हाफ सी ऑप्शन दिया हुआ है मुझे तो यही आंसर लग रहा है और अगर गलत भी आता है अपना तो कोई दिक्कत नहीं है भाई तो सही अप्लाई किया अपन ने या गलत होने का चांस ही नहीं है बेटा हमारा ये एप्लीकेशन जो है एम बाई डॉट कॉम उस पर आप आए इस पर्टिकुलर क्यू आर को स्कैन कर लें ये जो आपके सामने जो गिवेन है स्क्रीन इसका आप मेक मिक्स्योर sure करें कि एक स्क्रीन शॉट ले लें ताकि आप लोग एम बाई ऐप पर जा सकें और उसके अलावा आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस उसपे इसमें स्कैन करके आ सकते हो ताकि आप लोग करंट जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्ट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए एक्टिव रहें नए वीडियोस के लिए एक्टिव रहें और बहुत सारी चीजों के लिए आप अलाइंड रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहो अभी नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके जैसे ये कराया वैसे भी हम लोग आगे चल के पूरा इक्विलिब्रियम फिनिश करने वाले हैं अलोंग विद ली शेटल प्रिंसिपल सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एम गाइस Keep imbibing. We believe in you.